अगर रोजगार दिलाना चाहते हैं आगे विधायक तो आए हमारे साथ इस लड़ाई में। और हर फार्म में 1500 रुपए एक फार्म को भरने में लगते हैं। जो सरकार है ये हफ्ता वसूली सरकार है। हरियाणा में 37% बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। और आज जिस तरीके से यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उनको सम्मानित चाहिए। वो रोजगार की बात करते हैं, हमारे साथ आए, हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हों। अगर वो रोजगार दिलवाना चाहते हैं तो हमारे साथ आए, सरकार के खिलाफ लड़े। क्योंकि आज जिस तरीके के हालात इन लोगों ने कर रखे हैं, एसी कमरों में बैठ करके और फार्म हाउसों में बैठ करके राजनीति नहीं की जाती और लोगों के लिए नहीं लड़ा जाता। लोगों पर्ची खर्ची का को रोड़ा है कौन है, रोजगार नहीं है, रोजगार है ही कौन है, पर्ची खर्ची का कोई जगह ही नहीं रहेगी ना, कोई रोजगार नहीं। एक एक बालक के पेपर आज पूरे हरियाणा में बालका के पैसे भरवा के 2600 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए इन्हें, 2600 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया बालका फार्म भरवा करके। एक किस्म से ये जो सरकार है ये हफ्ता वसूली सरकार है। ये जो सरकार है बच्चों से पैसा खसूट रही है, इनको शर्म आनी चाहिए। युवाओं से पैसा उनको रोजगार देने की बजाय उनको बेरोजगार कर रही है। उनके जो घरवाले हैं बेचारे मेहनत कस करके, और हर फार्म में 1500 रुपए एक फार्म को भरने में लगते हैं। कितने फार्म भरवाए हर, कितने फार्म कैंसिल हुए ये सरकार देखे। क्योंकि आज इस तरीके के हालात हैं, एक एक लोगों में इतना गुस्सा है, मैं पूरे कई गाँव में हो गया हूँ। और ये जो कई नेता बने घूम रहे हैं ना, अब भाई हमने जो जब जैसे सरकार जब वो इलेक्शन हो जाते हैं, जब 2-3 महीने इलेक्शन के रह जाएंगे तब वो उनको भाई चाचा ताऊ रिश्तेदारी सब याद आ जाएगा, उनको गोत भी याद आ जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। आज जरूरत है, आज जरूरत है इन युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए। अगर रोजगार दिलाना चाहते हैं आगे विधायक तो आए हमारे साथ इस लड़ाई में और साथ में संघर्ष करें, तो पता लगेगा भी किस तरीके से रोजगार दिलवाया जाता है। ये समझ रहे हैं आगे की जो राजनीति है वो अंधभक्ति से बाहर होकर की राजनीति होगी। और हर जगह काम की बात होगी, व्यवस्था की बात होगी, युवाओं के रोजगार की बात होगी। और आगे आने वाला जो समय होगा वो ये जो नेता बहला फुसला के वोट लेते वो नहीं चलेगा।